बिग बॉस में हिस्ट्री क्रिएट हो ही गई। पहली बार बिग बॉस के इतिहास में ऐसा हुआ है कि कोई वाइल्ड कार्ड जो है वो ट्रॉफी लेकर चला गया। हालांकि जो क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड थे उससे ये बात साफ ही थी कि एल्विश को बहुत ज़्यादा वोट जो है मिल रहे हैं और फुकरा जो है पीछे है। यहाँ तक कि हमने भी जो पोल डाला था उससे भी ये बात क्लियर थी कि यहाँ एल्विश जो है वो क्लियर कट विनर है। घर में मौजूद कई एक्स कॉन्टेस्टेंट और मनीषा जो कि अभिषेक की बहुत अच्छी दोस्त है, हालांकि वो भी चाहती थी कि फुकरा ही जीते यहाँ पर, लेकिन जो पहले दिन से आता है उसका अपना स्ट्रगल रहता ही है, लेकिन एल्विश ने आकर जिस तरीके से इस गेम में जान डाली वो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। एल्विश के आने के बाद ऐसा लगा कि मानो शो में, मुझे अच्छे से याद है कि कृष्णा अभिषेक और भारती जो है जब एल्विश की एंट्री हुई थी उसके बाद शो होस्ट करके निकले थे और उनसे पूछा गया था, तो कृष्णा ने बोला था कि एल्विश के आने के बाद ऐसा लग रहा है कि शो में नमक आ गया हो। तो अब एल्विश वही थे बिग बॉस OTT2 में नमक की तरह, कि जिनके बिना शो में सब कुछ होने के बावजूद अधूरा लग रहा था। और एल्विश की ऑनेस्टी लोगों को बेहद पसंद आई है और अब हम आपको बता दें कि एल्विश शो जीत गए हैं। यहाँ पर फुकरा को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो वो बात सुन रहा है वो सही है या नहीं, पर सच यही है कि हमें बिग बॉस सीजन OTT Season 2 का विनर मिल गया है और वो है एल्विश यादव। तो आप लोग इस बात से कितने एग्री करते हैं और आपके लिए भी क्या एल्विश ही था विनर, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।